हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम 25। टुडे इन दिस वीडियो आज हम इस में आपके हाथ में शेयर करने वाली हूँ कि इस करवा चौथ में आप किस तरह से लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक से हम मोटिवेशन मिल जाती है आपके लिए इस तरह से और भी नए नए वीडियो लाने के लिए। अदरवाइज आपको कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में जो प्रोडक्ट यूज की सारे लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल होती तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करने तो मेरी आने वाली रहेगी ना आपको हमेशा की तरह नोटिफाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं हमें लुक कैसे क्रिएट किया है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूज़ करेंगे पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर क्रीम, जिसमें इंक्लूड है विटामिन ई और हाइलुरोनिक एसिड इसमें इंक्लूड है। अच्छी तरह से हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को और काफ़ी लाइट वेट इसका फॉर्मूला होने की वजह से मुझे काफ़ी पसंद है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए, और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता है, बिल्कुल ऑयल फ्री है ये प्रोडक्ट। ठीक है, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है इजीली मिल जाएगा मार्केट में। ठीक है, उसके बाद आज हम यूज़ कर रहे हैं स्टेक करके का ये सीरम। ठीक है, ये सीरम ज़रूर है बट ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता है और इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। और मुझे अच्छा लगता है कि ना जब कभी भी मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ या फिर कंसीलर भी यूज़ करती हूँ बेस के लिए, तो अगर ईजिली ब्लेंड होता है ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सीरम अप्लाई करने के बाद ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, और ज़्यादा ऑयली ना होने की वजह से ये सीरम मुझे यूज़ करना काफ़ी पसंद है। स्टेक क्वर्की का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, फेशियल ऑयल भी जिसे कह सकते हैं। उसके बाद हम अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे ब्लू हेवन का लिप बाम, जिसमें इंक्लूड है कोकोआ बटर। ठीक है, उसके बाद ये कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, इनसाइड कॉस्मेटिका 2X कवर कंसीलर। बट ये सच बताऊँ तो कहीं से भी कुछ भी कवर नहीं करता है, पता नहीं ये मुझे ही ऐसा रिसीव हुआ था या फिर सभी को। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्लेंड भी किया अपनी फिंगर की हेल्थ, बट कुछ हुआ ही नहीं। और अच्छा तो यहाँ पे ये हुआ कि जब मैं इसे अप्लाई कर रही थी तो इसका जो एप्लीकेटर था ना वो टूट के गिर गया। और देख सकते हैं 2X कवर मास्टर कंसीलर लिखा है, बट कहीं से ये मास्टर का काम भी नहीं करता ना ही कंसीलर का काम करता है। तो यहाँ पर मैं इनसाइड का ही दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, इनसाइड प्रो कंसीलर पैलेट, जिसमें आपको कुछ शेड मिल जाते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे ना लाइट ऑरेंज शेड को पिक किया है, जो कि कुछ हद तक मेरे फेस से मैच हो रहा है। और जहाँ पे मुझे डार्कनेस दिख रही है, यहाँ पे पिगमेंटेशन है, वहाँ पे मैंने कवर करने के लिए इस तरह से यूज़ किया है। अगर आप के फेस में है पिगमेंटेशन तो वहाँ पे आप यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी पिगमेंटेशन मुझे दिख रही है तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। ये है लाइट, इसका सेड नंबर मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। सडनली यहाँ पे मैंने ना सेंटर वाला जो रेड शेड था ऑरेंज शेड था वो यूज़ कर लिया, बट मुझे लगा कि ये लाइट वाले सेड से ही काफ़ी अच्छा मतलब हाइड हो रहा है, तो मैंने उसी पे कंटिन्यू किया है। ठीक है, और देख सकते हैं कि इतना ईजिली ये जो है ब्लेंड हो रहा है स्किन पे। अगर आप इसी पे सेपरेट एक बेस देखना चाहते हैं, बेस क्रिएट करूँ वो देखना चाहते हैं तो मुझे बताएगा ज़रूर। और इसी टाइम मैंने काफ़ी मतलब अच्छी तरह से इसे यूज़ किया था, अदरवाइज़ मैं कम यूज़ करती हूँ इसे करेक्शन के लिए। उसके बाद मैंने अच्छे तरह से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मेबेलिन फिट मी का ये फाउंडेशन, जिसमें मेरा से 335। और ये थोड़ा सा येलोइश काइंड ऑफ ऑरेंज लगता है, देख सकते हैं। लेकिन ये ब्रांड होने के बाद ना जब भी कभी भी मैं इस फाउंडेशन को यूज़ करती हूँ तो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है और इजिली ब्लेंड हो जाता है। अब जब पूरी तरह से मैं बेस क्रिएट कर लूँगी इसके बाद आप देख लीजिएगा, काफ़ी फ्लॉलेस फिनिश देता है और मुझे मज़ा ही आ जाता है यूज़ करके। ठीक है, अगर आप मेरी स्किन टोन के हैं ना तो ये ट्राई करके देख सकते हैं, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे रहता है आपके फेस में। ठीक है, तो ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया 335 मेरा इसमें सेड है। ठीक है, तो अच्छी तरह से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, और मज़ा आ जाता है जब इजीली ब्लेंड होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया हुआ है, ये है लैक्मे 925 का ही, और इसका जो सेड है 38 एलमंड। ठीक है, तो ये जो है मुझसे एक सेड लाइट है, जस्ट एक सेड लाइट है, या फिर हो सकता है इस फाउंडेशन के सामने ये लाइट लग रहा है बट उतना भी लाइट नहीं है। तो अदरवाइज मैं इसे बेस भी क्रिएट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे फेस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे हाइलाइटर की तरह यूज़ किया है, जहाँ पे हमें हाईलाइट पड़ता है मेरे फेस पे वहाँ पे मैंने जैसे फॉरहेड पे, आईज अराउंड और ब्रिज ऑफ द नोज़ पे अपनी
माउथ के अराउंड और जॉलाइन के नीचे, ठीक है। और इस ब्रश की मदद से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, जो कि है पैक का 219 नंबर का सेड, ठीक है। मैट लुक प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इनसाइड कॉस्मेटिक का फ्लॉलेस फिनिश HD, ये लूज पाउडर है, ठीक है, जिसे हम ट्रांसलूसेंट पाउडर भी बोलते हैं। हालांकि ये येलो शेड में है, इसमें आपको शेड रेड मिल जाते हैं। और अच्छा, मुझे क्या लगता है ना, आप अगर टीन एजर हैं तो आप कॉम्पैक्ट स्किप करके ये जो है लूज पाउडर ट्राई कर सकते हैं। ये आपको 100 के अराउंड आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। और अच्छा क्या है, बिल्कुल लाइट वेट है, आप इस जब भी यूज़ करें तो जो एक्सेस है उसको रिमूव करके यूज़ करेंगे, अच्छी तरह से मैट फिनिश आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद मैं आइस की ओर आ रहे हैं, और आइस के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये न्यूड पैलेट है, जिसमें से आपने देखा कि काफ़ी सारे न्यूड पैलेट हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये पैलेट को आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर और आई शैडो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइट पिंक को शेड किया पिक किया है, देन उसे पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लिया है, और लोअर लैश लाइन को भी हम कंप्लीट करते चलेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जस्ट ब्लेंड किया, उसके बाद डार्कर शेड को पिक करते हुए एक आउटर भी पे एक पतले ब्रश की मदद से उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। देन मैंने एक पिंक शिमरी शेड को पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लिया है, इस तरह से फिंगर की हेल्प से, ठीक है। ब्रश नहीं है तो आप ना फिंगर से भी अपना लुक्स क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं फिंगर से तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे काजल ले लिया है, और यहाँ पे मैंने शुगर का काजल लिया है, जो कि एकदम क्रीमी टेक्सचर है इसका, यूज़ करके थोड़ा सा भी आपको ना फोर्सफुली नहीं करना पड़ता है, आराम से ये आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ना हल्का सा स्मज किया है, उसके बाद हम आईलाइनर यूज़ कर रहे हैं, और ये है इनसाइड कॉस्मेटिक का 2X, आपको ये आईलाइनर मिल जाता है और काफ़ी देर तक स्टे रहता है, वाटरप्रूफ है। आई थिंक मैंने देखा जैसे कि 5 से 6 घंटे स्टे रहता है, और सही में जल्दी से आपकी आंखों पे नहीं जाता है, मतलब वाटरप्रूफ है ये, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं, और काफ़ी हैंडी है, इसलिए मुझे काफ़ी सही लगा यूज़ करने में, मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर प्रो हैं तो आप ऐसे ही यूज़ कर पाएंगे, अगर आप बिगनर्स हैं तो ट्राई करके डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। और मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये है मेकअप रेवोल्यूशन का मस्कारा, ठीक है। ये वाटरप्रूफ है, बट मैंने ज़्यादातर यूज़ नहीं किया है, बट इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देता है, और अगर आप लैशेस स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। पूरे बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे रॉन्जेलर का मेकअप फिक्सर लिया हुआ है, जो कि काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है, और इसके इस ब्रांड के सभी प्रोडक्ट ना आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये पैलेट यूज़ कर रहे हैं, जो कि है सेवाना कलर्स का, जिसमें आपको 8 शेड मिल जाते हैं, कॉन्ट्रोल, ब्रश, हाइलाइटर, और जिसे आप ब्लश की तरह यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रोल कर सकते हैं, और हाइलाइटर तो कर ही सकते हैं, साथ में आप आई लुक्स भी इससे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पिंक, कोरल और न्यूट्रल सारे शेड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लश और कॉन्ट्रोल कर लेने के बाद यहाँ पे लिप्स को मैंने कर लिया है लाइन लिप लाइनर की हेल्प से, और 08 नंबर का सेट है, जो कि है स्विस ब्यूटी का। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लिपस्टिक जो है चेंज किए हैं गाइस, और यहाँ पे मैंने 2 जो है न्यूट्रल शेड यूज़ किया हुआ है, और उसका शेड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा। 2 शेड मैंने यहाँ अप्लाई किया है, दोनों में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो लास्ट में मैंने जो है रेड कलर भी पिक किया हुआ है। ये न्यूट्रल शेड भी काफ़ी सही लग रहा था, बट ये करवा चौथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लग रहा था लाइट, तो उसके बाद लास्ट में मैंने रेड कलर को भी पिक किया है। तो आपको जैसा उचित लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बाद में मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है रेड लिपस्टिक, और ये सब मैंने ज्वेलरी वेयर किया हुआ है, लैशेस भी मैंने वेयर किया हुआ। कैसा लग रहा है लुक मुझे बताएगा ज़रूर। ये रहा गाइस मेरा फाइनल फिनिश लुक, आपको लुक कैसा लग रहा है मुझे बताएगा ज़रूर। अदरवाइज आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी आप डिटेल कमेंट करके बताएगा ज़रूर, ठीक दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।